बहुत बड़ी गुड न्यूज आपके लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ IBM की तरफ से। जी हाँ, IBM की तरफ से इस बार जो वैकेंसीज आई है ना, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ये जॉब रहने वाली है। आपको अप्लाई कैसे करना है, पोस्ट कौन कौन सी है, काम आपका क्या यहाँ पे रहने वाला है, किस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग मिलने वाली है, सारी चीज़ों को वन बाय वन हम यहाँ पे कवर करेंगे। खास तौर पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है ध्यान से समझ लेना, अर्जेंट हायरिंग है, आपको सारा कुछ डिटेल में समझा दूंगी जिससे पहली बार में आपका अप्लाई हो जाएगा और आपको रिवर्ट बैक भी यहाँ पे डेफिनेटली आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाए। एक जरूरी काम जरूर कर लेना, देखिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि आपकी नियर जो भी वैकेंसीज आती हैं मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लेकर आ पाऊं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे मैम अपना व्हाट्सएप चैनल बना लीजिए, तो मैंने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बना लिया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट जाके आप ज्वाइन कर लेना। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगेन आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आ चुकी हूँ अनदर कंपनी की तरफ से, जो कि IBM की तरफ से आई है, जहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वर्क रहने वाला है। मैं सारी चीजें आपको ब्रीफ में समझाऊंगी, पोस्ट डिटेल्स के बारे में, आपका वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दो चीज़ें बिल्कुल भी मिस मत करना, पहले अप्लाई कैसे करना है क्योंकि सारा कुछ आपको उसी पे डिपेंड करता है, सेकंड सिलेक्शन कैसे होनी है, बहुत इजीली सिलेक्शन मिल रही है इस बार, हर चीज़ वन बाय वन बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि जो इसके बाद चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो ऑफिशियल साइट है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसका विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो ऑफिशियल साइट है सीधा गूगल पे लिखना meetacademy.in, आपको पहले नंबर पे साइट मिल जाती है, जाके जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज आई है आप इसको सिंगल क्लिक करके चेक करके अप्लाई कर सकते हो। चलिए फिलहाल बात करें हम यहाँ पे लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि आपकी ड्रीम कंपनी IBM की तरफ से आई है, हर चीज़ को डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे, आपका जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, इसी के साथ साथ अप्लाई कैसे करना उसके लिए तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ही लेके चलूंगी, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगी कैसे अप्लाई करना ताकि पहली बार में आपका अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, प्यारा सा लाइक कर देना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके नए अपडेट लेकर आने का। इसी के साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना वो जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, पहले ही टेलीग्राम ग्रुप, सेकंड मैंने अभी अभी आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल बात करिए लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में, एक और आपके लिए गुड न्यूज आ गई है, जैसे ही मैं वीडियो बना रही हूँ लेटेस्ट वैकेंसीज आई है, एक आ चुका है नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एक आ चुका है रेलवे का, ये दोनों वीडियोज आपको इसके बाद मिलेंगी हमारे सेकंड चैनल पे जिसका नाम है मीत शर्मा, यूट्यूब में लिखना आपको पहले नंबर पे चैनल मिल जाएगा, फटाफट आप इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सो बात करें यहाँ पे IBM की नई वैकेंसीज के बारे में, आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं ये जो आया है आपका IBM की तरफ से है, अप्लाई मोड सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है, यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी है जो आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, एज सुन एज पॉसिबल आपको अप्लाई करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको वर्क समझा देती हूँ क्या आपका यहाँ पे वर्क जो है वो रहने वाला है। देखिए यहाँ पे KYC के बारे में आप अवेयर नहीं है, नो योर कस्टमर। ठीक है, यानी कि जो IBM के जो भी इनके कस्टमर्स है या जो क्लाइंट है, मैं आपको सिंपल इस लैंग्वेज में समझा रहा हूँ क्या वर्क एक्चुअल में आपका रहेगा। ठीक है, जो भी इनके कस्टमर या जो क्लाइंट है उनके डॉक्यूमेंटेशन का वर्क आपका रहेगा, यानी कि अगर उनके आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, सपोज दैट उनका कोई बिजनेस से रिलेटेड आपको ID कार्ड चाहिए वो आपके पास आएगा। ठीक है, इसी के साथ कोई पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आपको उन तीनों को क्रॉस वेरीफाई करना है, मतलब जो नेम उनका, यानी कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं आधार कार्ड पे है वही पैन कार्ड पे है। ठीक है, कोई यहाँ पे डिफरेंस तो नहीं है, ब्लर तो नहीं है कोई फोटो, ठीक है, या कोई चीज़ें मिसिंग तो नहीं है, एड्रेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होगी। IBM के बिहाफ पे आप यहाँ पे काम जो है वो करने वाले हैं, सिंपल यही आपका काम जो है वो रहेगा, सारी ट्रेनिंग IBM आपको प्रोवाइड करेगा। मैं आपको प्रॉपर यहाँ बताऊंगी अप्लाई कैसे करना है, पहली बार में आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बात करें, और फी यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है ना, प्रोसेस एनालिस्ट रिस्क एंड कंप्लायंस की है, ये भी आपका केवाईसी का काम है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर रिस्क एंड कंप्लायंस की है, केवाईसी का काम है। सीनियर प्रोसेस एनालिस्ट रिस्क एंड कंप्लायंस, केवाईसी का काम है, ठीक है। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन का ही तीनों प्रोफाइल का काम है, बस फर्क इतना है, ये जो प्रोसेस एनालिस्ट की प्रोफाइल है ये एंट्री लेवल प्रोफाइल है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की जो प्रोफाइल है इससे अब ऊपर है, ठीक है। सीनियर प्रोसेस एनालिस्ट की जो है प्रोसेस एनालिस्ट के बाद पोस्ट आती है, ठीक है। आप तीनों में किसी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट को अप्लाई करें, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो पहले ना मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलती हूँ, वहाँ पे बताती हूँ कैसे कौन से स्टेप को फॉलो करके अप्लाई करना है, बाद में बाकी चीज़ें कवर करेंगे जैसे कि सिलेक्शन कैसे होनी है एंड अदर थिंग्स। पहले चलते हैं साइट पर। सो अप्लाई लिंक पर क्लिक करने के बाद ये बड़ा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने पोस्ट मेंशन की हुई है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है मल्टीपल स्टेट में ये रिक्वायरमेंट है, मल्टीपल सिटीज में, और हर कोई आप में से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोजिशन टाइप में भी आप देख सकते हैं एंट्री लेवल की ये वैकेंसीज रहने वाली है, और रेगुलर मतलब आपकी ये परमानेंट जॉब रहने वाली है। तो काफी सारे कैंडिडेट आप में से इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनके बारे में अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, वैसे तो आईबीएम के बारे में कुछ जरूरत भी नहीं है आपको, अबाउट आईबीएम में वैसे आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से आईबीएम वर्क करता है। इसके अलावा लोकेशन स्टेटमेंट में आप चेक कर सकते हैं, और लास्ट में यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई नाउ की ऑप्शन मिल जाती है अप्लाई करने के लिए। तो हम इस ऑप्शन पे पहले क्लिक कर लेते हैं अप्लाई करने के लिए। तो जैसे हमने क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेसिंग में, इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप जब नहीं हुआ तो आपको डेस्कटॉप स्क्रीन अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। अब आप ध्यान से समझना इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं रिज्यूमे की, चूज फाइल पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपने अपना रिज्यूमे रखा हुआ है वो आपको यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम मेंशन करना है, जहां जहां पे इन्होंने स्टार फील्ड मेंशन की हुई ना आप रेड में देख पा रहे हैं वो चीजें मैंडेटरी होंगी। अब लास्ट नेम मेंशन करना है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है। एक्सपीरियंस में आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पे फ्रेशर पे क्लिक करना है, या एग्जीक्यूटिव या फिर री एंट्री या इंटर्न पे आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है, कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डोंट वरी। अब यहाँ पे प्रेफर्ड लैंग्वेज में ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार मेंशन नहीं किया हुआ है, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप वो सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब प्राइमरी स्किल सेट में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा जो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शंस, या फिर आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपके पास ये स्किल नहीं है या कोई अदर नॉलेज है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है जो कि आपकी इंडिया रहेगी। अब यहाँ पे आपको ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाती है नो थैंक्स कंटिन्यू टू अप्लाई, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब लास्ट में यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई टू जॉब के लिए, आप सीधा यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। जो जो प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया है ना आपको वो भी चीज़ें ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की। यहाँ पे आप जो मैंने अब सेकंड ऑप्शन पे क्लिक किया है ना वहाँ पे आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साइन इन विद लिंक्डइन से, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद ट्विटर, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है आप अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड मेंशन करके सीधा लॉगिन होके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे हैं डोंट हैव एन अकाउंट येट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे ऊपर आपके सामने लिखा हुआ यू मस्ट एग्री टू प्रोसीड, आपको यहीं पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अब आपको ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पे अपना रखना होगा जो कि आपका 15 टू 25 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उस पासवर्ड को आपको री एंटर करना होगा। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिलेक्ट क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलती हैं। जब भी आप किसी एमएनसी कंपनी के लिए अप्लाई करें ना तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए ही होता है, ठीक है। सपोज दैट आपने पहली ऑप्शन सेलेक्ट की व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो आपको मान लो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया उसका आंसर यहाँ पे टाइप करना होगा। अदरवाइज आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वेयर इज योर फेवरेट वेकेशन स्पॉट, आप यहाँ पे क्लिक करके आंसर दे सकते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपको लॉगिन कर लेना है, जो आपने ईमेल आईडी यहाँ मेंशन की और पासवर्ड रखा है बस वही फिल करके आपको अप्लाई करना होगा। अब अपना नेम,
कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कब पास आउट किया, कहां से पास आउट किया, जो जो डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है एज इट इज आपको फिल करके सबमिट कर दे। देखिए जो जो स्टेप आपको बताए हैं 19 स्टेप को फॉलो करके अप्लाई करेगा, आपका 101% फर्स्ट टाइम ही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सिलेक्शन कैसे होने वाले हैं। आपने तीनों में से किसी भी पोजिशन के लिए अप्लाई किया है, इवन आपने मोर देन वन पोस्ट भी यहां अगर अप्लाई कर दिया है, तो आपको क्या करना है, अब वेट करना है। ठीक है, आपकी जो प्रोफाइल है उनके एचआर के पास रिसीव होगी, वो आपकी प्रोफाइल को देखेंगे। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होती है, आपको कॉल रिसीव होने वाली है आईबीएम के एचआर की तरफ से रिगार्डिंग इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड में भी आपका वर्चुअल हो जाए, अगर वॉक इन होना होगा वो आपको बता देंगे, बस उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है। यहाँ पे इन अपडेट के लिए आपको कोई एग्जाम फेस नहीं करना। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको देखिए सबसे पहले तो इसका जो अप्लाई का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक चीज और, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करना, मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आपको हमेशा सबसे पहले डिटेल नोटिफिकेशन के साथ बताई जाती है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। और इसी के साथ मैंने आपको बताया SBI और रेलवे की नई वैकेंसीज आई हैं, वो वीडियोज हमारे सेकंड चैनल पे इसके बाद आएंगी। मीत शर्मा यूट्यूब में टाइप करना, ठीक है, सब्सक्राइब बटन आपको मिलेगा, उसको क्लिक करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन उसी वक्त आ जाए। आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी वैकेंसीज के रिगार्डिंग कमेंट करें, मैं यही बैठी हूँ, कहीं नहीं गई हूँ, आपकी 100% यहाँ पे हेल्प होगी, तो जरूर से आप कमेंट करना अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए।